हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आज हम लोग देखेंगे कि जुलाई 2023 में कोर्ट्स ने क्या क्या इम्पोर्टेंट जजमेंट्स दिए। हम लोग के कोर्सेज चलते हैं जहाँ पे हम लोग क्लैट पीजी की तैयारी कराते हैं आपको विद ऑल द मेंटरशिप, ऑल द मॉक टेस्ट, ऑल द पीडीएफ्स एंड स्टडी मटेरियल रिक्वायर्ड। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी, इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन, प्लीज कॉल अस एंड कॉन्टैक्ट अस। नाउ कम्स द फर्स्ट केस, स्पोटा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज अनफेडिंग ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। अब इस केस में क्या हुआ था, ये केस एक ट्रेडमार्क केस है। ये दिल्ली हाई कोर्ट में इसका जजमेंट आया है एंड जस्टिस प्रतिभा सिंह इज द बेंच इन दिस केस। अब इसमें ये था कि एक बहुत ही फेमस, आप लोगों ने भी एड्स वगैरह देखे होंगे, बहुत सारे क्रिकेटर्स इसका ऐड करते हैं, ड्रीम इलेवन एक कंपनी है, उसी से मिलता जुलता एक कंपनी नाम अपने अपना नाम रखा सट्टा ड्रीम इलेवन। ये जो स्पोटा टेक्नोलॉजीज है, इन्होंने ही केस किया अनफेडिंग ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड पे, जो कि सट्टा ड्रीम इलेवन और www.sattadreamelevn.com चला रहे थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि इन लोग ने, ड्रीम इलेवन ने कहा कि भाई ये हमारा जो ट्रेडमार्क है ड्रीम इलेवन, आप उसको ही यू नो सिमिलर आप उसे ला रहे हो, तो ये ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट है। कोर्ट ने कहा हाँ ये ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट है एंड दिस इज व्हाट द कोर्ट सेड। The impugned domain name is nothing but a malified attempt to write the goodwill of the plaintiff's mark Dream 11. Court ने कहा कि जो goodwill है Dream 11 की, आप सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि आप उसी goodwill पे खेल के अपनी कंपनी बना लें, ये आपका malified attempt है। The said mark is completely arbitrary and thus very distinctive. ये arbitrary है, अच्छे marks वो होते हैं जो एकदम arbitrary होते हैं, obvious नहीं होते हैं, और अपने आप में बहुत distinctive है, बहुत अलग है Dream 11, आपने उसको copy किया है। The said marks Dream 11 and Satta Dream 11 are very similar and there's a high chance of confusion between the two marks. अब किसी भी trademark infringement का सबसे important aspect यही होता है कि क्या जो public है वो confused हो जाएगी उसको देख के कि अच्छा Dream 11 and Satta Dream 11 same है, हो सकता है पहचाने ही ना कि you know अच्छा ये तो अलग website खुल गई और something, या ये मान के चले कि maybe इसी की ही कोई company होगी। This is especially true in internet where differences such between such domain names would not be easily discernible. अभी net पे तो ये और ज़्यादा कम पता चलेगा कि Dream 11 की साइट खुली है या सट्टा Dream 11 की खुली है, इतना ध्यान हर कोई नहीं देगा। Further considering the nature of internet, it is possible for similar sounding website names to be presumed to be affiliated. Presume भी कर सकते हैं लोग, हो सकता है उन्हें दिखे कि सट्टा Dream 11 है, they might think नाम change हो गया है या affiliated है कुछ। And the use of such similar sounding domain names, that too in identical services, same services in Dream 11 or Satta Dream 11 की, ये result करेगा passing off में। ठीक है, और लोग क्या सोचेंगे कि हो सकता है affiliated है, sponsored है या connected है with the other। दूसरा case था Ripudaman Singh versus Union of India, इसमें 3 judges bench थी, Justice Chandrachud, Justice Narasimha, Justice Manoj Mishra। इसमें कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट यू जजमेंट नहीं आया है, बट इट माइट बी इम्पॉर्टेंट थ्रू द फैक्ट कि एक एड्स शेड्यूल के लिए यू नो कौन सी लैंग्वेज के लिए अभी केस आया था, दिस माइट बी आस्क। सो इट वॉज राजस्थानी लैंग्वेज एंड ये प्ली थी कि आप इसको इंक्लूड करिए एड्स शेड्यूल में। एड्स शेड्यूल कौन सा शेड्यूल है, जहाँ पे हम लोग की लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस को शेड्यूल किया गया है एंड दे आर कॉल्ड शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। तो हालांकि कोर्ट ने इसको मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, बट द कोर्ट सेड कि ये हमारे डोमेन में ही नहीं है, दिस इज नॉट आवर डिसीजन टू टेक, दिस इज अ पॉलिसी डिसीजन एंड एक अप्रोप्रिएट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ही इसको इसका फैसला करेगी, और इसलिए उन्होंने डिक्लाइन कर दिया टू एंटरटेन द पिटिशन। अब आता है अनबाजगन वर्सेस स्टेट, इसमें कोर्ट ने एट लेंथ इंटेंशन और नॉलेज के बीच में जो डिफरेंस है उसको डिस्कस किया है। 2 जजेस बेंच, जस्टिस गवई एंड जस्टिस वर्दीवाला। कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने कहा इंटेंशन एक स्टेट ऑफ माइंड है, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड कि आपके किसी का दिमाग किस स्टेट में है उस टाइम, इसीलिए कोई डायरेक्ट एविडेंस इसका नहीं है। आप कुछ भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि जैसे वेपन है तो क्या होगा कि वेपन इज अ हार्ड थिंग, आप उठा के देख सकते हो कि भैया ये वाला नाइफ है जो यूज हुआ है, ये वाली पिस्टल है जो यूज हुई है। अब स्टेट ऑफ माइंड ऐसा नहीं होता, तो इट कैन ओनली बी डिड्यूस्ड और इन्फर्ड फ्रॉम द अदर फैक्ट्स व्हिच आर प्रूव। तो अगर कोई और फैक्ट है जो प्रूव हो गया है उससे आप इंटेंशन इन्फर कर सकते हो, डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलेगा, और जो चीजें हुई हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं, उनसे आप इन्फर करोगे कि इंसान का इंटेंशन क्या था।
The intention may be proved by rest just day, by acts or events previous or subsequent to incident or occurrence on admission. Intention of a person cannot be proved with direct evidence and has to be deduced by facts and circumstances of the case. Our legislature has used two different terminologies, intent and knowledge, and separate punishments are there. कोर्ट ये कह रहा है कि भाई इंटेंट और नॉलेज दो वर्ड्स यूज किए लेजिस्लेचर ने, उनकी पनिशमेंट्स भी अलग रखी, उनके एक्ट्स भी अलग रखे. क्या रखे? जो इंटेंट है वो है इंटेंशन टू कॉज बॉडिली इंजरी विच इज लाइकली टू कॉज डेथ, ये इंटेंशन का यूज है. दूसरा क्या है? एंड फॉर एन एक्ट कमिटेड विद नॉलेज दैट हिज एक्ट, ये नॉलेज है कि जो इसके एक्ट है ठीक है उससे किसी की डेथ होगी. इंटेंट नहीं है टू कॉज सच एन इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, लेकिन मालूम है कि डेथ हो सकती है. इट वुड बी प्रॉपर टू होल्ड दैट इंटेंट एंड नॉलेज कैन नॉट बी इक्वेटेड. तो जब अलग अलग यूज हो रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि इंटेंशन और नॉलेज सेम चीज है, क्योंकि ये सेम चीज नहीं है. होती तो एक ही वर्ड यूज होता या कहीं लिखा होता लेजिस्लेशन में. दे कनोट डिफरेंट थिंग्स समटाइम्स ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज आर सो एपरेंट इट मे हैपन दैट फ्रॉम नॉलेज इंटेंशन कैन बी प्रिज्यूम्ड. तो कभी कभार ऐसा हो सकता है गिवन ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस कि प्रिज्यूम किया जाए कि अच्छा आपके पास नॉलेज थी तो आपके पास इंटेंशन भी था. जैसे नॉलेज थी एक इंसान के पास कि चाकू को अगर आप किसी के हार्ट पे मारोगे तो वो इंसान मर जाएगा, ठीक है. तो अब आपको ये नॉलेज है एंड लेट्स से कि एक डॉक्टर है जिसने किसी के हार्ट पे चाकू मारा है. नाउ ही हैड द बेस्ट ऑफ द नॉलेज कि हार्ट पे चाकू मारेंगे तो इंसान मरेगा. तो क्या हो गया? इंटेंशन हम लोग प्रिज्यूम कर लेंगे. अच्छा तो इसका इंटेंशन ही उस इंसान को मारने का था. लेकिन ये हमेशा नहीं होगा. इससे हम ये नहीं कह सकते कि उसका इंटेंशन और नॉलेज सेम है. नहीं, फिर भी नॉलेज अलग है, इंटेंशन अलग है. ऑल्सो नॉलेज विल बी वन ऑफ द सर्कमस्टांसेस टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. ये एक सर्कमस्टांस होगा. और भी सर्कमस्टांसेस हैं जो हम लोग को देखने होंगे बिफोर से कि किसी का क्या इंटेंशन था. जैसे नॉलेज है, डॉक्टर है, नॉलेज है कि भाई अगर हार्ट पे मारेंगे चाकू तो इंसान मर जाएगा. पर अब आप बाकी फैक्ट्स भी देखिए. फैक्ट ये है, मान लेते हैं ये प्रूव हो चुका है कि सामने वाला आ रहा था जो डॉक्टर है उसको गोली मारने या चाकू मारने खुद भी. तो जो डॉक्टर है उसने अपने डिफेंस में चाकू मारा एंड इट वाज अ रिफ्लेक्स, ठीक है. इट वाज नॉट समथिंग ही वाज टेकिंग इनटू अकाउंट कि यू नो हार्ट पे मारना है कि आर्म पे मारना है समथिंग. ये सब उसका रिफ्लेक्स है टू सेव हिमसेल्फ. तो अब यहाँ पे हम लोग इंटेंशन डाउटफुल हो गया ना कि उसको मारने का इंटेंशन था या अपने को बचाने का इंटेंशन था. एंड they are two very different things, especially in the eyes of law. The knowledge that specified consequences would result or could result by doing an act is not the same thing as the intention that such consequence should ensue. अब आपको पता है कि ये consequence होगा, ये अलग बात हुई इस चीज से कि आप चाहते हैं कि यही consequence हो. जैसे डॉक्टर वाला example हमने दिया, उनका वो क्या consequence क्या चाहते हैं? वो सिर्फ इतना consequence क्या चाहते हैं कि वो उनकी जिंदगी बच जाए. That's his idea of the consequence, that is his intention. ठीक है? If the act is done by a man with the knowledge that certain consequence may follow or will follow, it does not necessarily mean that he intended such consequence and acted with such intention. Intention requires something more than mere foresightedness of the consequence. It requires a purposeful doing of a thing to achieve a particular end. हम ऐसे मारे कि इंसान मर जाए या हम ऐसे मारे कि हम अपने को बचा लें? Intention completely different hai. When the court is confronted with the question what offense the accused could have committed, the true test is to find the intention or knowledge of the accused in doing act. If the intention or knowledge was such as described in clause 1 to 4 of section 300 jo ki murder hai IPC ka, the act will be murder even though only a single injury was caused. Ye zaruri nahi hai ki bahut sari injuries di jaye, nahi, ek injury hai. If somebody knows how to slit a throat very properly, तो वो क्या करेगा? वो सिर्फ एक throat slit करेगा. Now that single injury, but it's still murder. To illustrate, A is bound hand and foot. B comes and placing his revolver against his head of A, shoots A in the head, killing him instantly. Here, there will be no difficulty in holding that the intention of B in shooting A was to kill him. ये बहुत clear है. उसको मारना चाहता था. Though only single injury was caused, क्या था? सिर्फ एक injury थी. The case would therefore be murder under clause 1 of 300 IPC. Up, taking another instance, B sneaks into the bedroom of his enemy A while latter is asleep on his bed, taking aim
एट हिज लेफ्ट चेस्ट ऑफ ए बी फोर्सिबली प्लंजेस अ सॉर्ड इन द लेफ्ट चेस्ट ऑफ ए एंड रन्स अवे. वो भोगता है सॉर्ड ए के निशाना लेके कि चेस्ट पे मारना है और क्या होता है ऑब्वियसली ए डाइज. The injury to A was found sufficient in ordinary course of nature to cause death. Ordinarily, अगर सब कुछ normal है एक इंसान में और सारी चीजें normal है तो आप एक इंसान के अगर ऐसे मारोगे तो ये sufficient है in the ordinary course of nature to cause death. There may be no difficulty in holding that B intentionally inflicted the particular injury found to be caused, and the said injury was objectively sufficient in the ordinary course of nature to cause death. This would bring B within Clause 3 of Section 300 IPC and render him guilty of the offence of murder, although only single injury was caused. तो अभी भी ये murder के लिए ही जाएंगे और single injury है फिर भी it is murder. क्यों? क्योंकि injury ऐसी है कि ordinary course of nature में उसकी death हो जाए. जो पहले वाला था वो injury नहीं थी, वो सीधा खत्म कर दिया इंसान को. यहाँ injury थी. हो सकता है कि injury देते time foreign कोई अलार्म हो जाता, बच जाता वो इंसान और समथिंग. मिरेकल कुड हैव हैपेंड बट दैट इज नॉट हाउ वी इंक्लूड थिंग्स. हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में क्या है. इवन व्हेन द इंटेंशन और नॉलेज ऑफ द अक्यूज्ड मे फॉल विद इन क्लॉज 1-4 ऑफ 300 द एक्ट ऑफ द अक्यूज्ड वुड विच वुड अदरवाइज ही मर्डर. वैसे तो मर्डर होगा 300-1-4 में, लेकिन इफ द अक्यूज्ड केस अट्रैक्ट वन ऑफ द 5 एक्सेप्शंस जो कि उस सेक्शन में है तो फिर क्या होगा, तो फिर वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो जाता है. ठीक है, इन द इवेंट ऑफ केस फॉलिंग विद इन एनी ऑफ दोस एक्सेप्शंस योर ऑफेंस वुड बी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर फॉलिंग विद इन पार्ट 1 ऑफ 300 ऑफ आईपीसी इफ द केस ऑफ द अक्यूज्ड इज सच एज टू फॉल विद इन 1-3 ऑफ सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी इट वुड बी ऑफेंस अंडर पार्ट 2 ऑफ सेक्शन 300. तो फिर क्या होगा, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर जिसकी पनिशमेंट 304 में दी हुई है उसके सेकंड पार्ट में आएगा. टू पुट इन अदर वर्ड, इफ द एक्ट ऑफ एन अक्यूज्ड फॉल्स विद इन द फर्स्ट टू क्लॉजेस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड तो फिर क्या होता है इन सेक्शन 299, तो फिर आप फर्स्ट पार्ट में पनिशमेंट देते हैं 300 के, एंड इफ इट फॉल्स अंडर द थर्ड क्लॉज तो फिर सेकंड पार्ट ऑफ जो सेक्शन 304 है उसमें पनिशमेंट जाती है. इन इफेक्ट देयरफॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेक्शन वुड अप्लाई व्हेन देयर इज गिल्टी इंटेंशन. तो क्या हो रहा है, जो 304 का फर्स्ट पार्ट है जब आपका गिल्टी इंटेंशन होता है वहां तब पनिशमेंट दी जाती है, और सेकंड पार्ट में देयर इज नो सच इंटेंशन लेकिन गिल्टी नॉलेज होती है, इसलिए इसके पनिशमेंट्स अलग है. इवन अ सिंगल इंजरी इज इंफ्लिक्टेड इफ दैट पर्टिकुलर इंजरी वॉज इंटेंडेड एंड ऑब्जेक्टिवली दैट इंजरी वॉज सफिशियंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ तो थर्डली ऑफ 300 में जाते हैं एंड ये मर्डर हो जाता है. द वर्ड लाइटली मीन्स प्रोबेबली and is distinguished from the word possibly. Likely or possibly अलग अलग चीज़ें हैं. When chances of happening are even or greater than it's not happening, ना होने से ज़्यादा chance होने का है murder, we may say that it will probably happen. In reaching the conclusion, the court has to place itself in a situation of the accused and then judge. तो जो accused की situation है उसके उस वक्त देखना है. Whether the accused had the knowledge that by the act he was likely to cause death. Intention to kill is not the only intention which makes culpable homicide or murder. Sirf intention to kill nahi chahiye hota. Intention to cause injury hai agar aisi to ki ordinary course of nature mein death ho jayegi to bhi wo murder hota hai. If death has actually been caused and the intention to cause such injury or injuries is to be inferred from the act of acts resulting in injury or injuries. Where the prosecution proves that the accused had the intention to cause death of any person or to cause bodily injury to him and the intended injury is sufficient in the ordinary course of nature to cause death, then even if he inflicts a single injury, तो फिर ये काफी होगा उसको थर्डली के 300 पहुंचाने के लिए, unless obviously one of the 5 exception applies. In determining the question whether an accused had the guilty intention or guilty knowledge in a case where only single injury is inflicted and that the injury is sufficient in the ordinary course of nature to cause death, the fact that the act is done without premeditation in a sudden fight or quarrel, or that circumstances justify the injury, ki wo accidental tha, ya ki wo simple injury hi karna chahta tha, lekin accidentally itni badi injury ho gayi, would lead to the inference of guilty knowledge. To ye mana jayega ki haan, knowledge to thi, magar intention nahi tha, aur iske liye 304 part 2 mein fall karega phir. Now next case is Ogarsen versus State of Haryana.
इसमें क्या बात की गई, इसमें कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, टू जजेस बेंच, जस्टिस रविंद्र भट्ट एंड जस्टिस दीपांकर दत्ता। इसमें क्या कहा गया, कोर्ट ने कहा कि भाई कोई भी पनिशमेंट दें, कोई भी सेंटेंसिंग करें, तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ध्यान में रखें। ये ज़रूरी है कि जितना बड़ा क्राइम हुआ है उतनी ही सज़ा दी जाए, ना वो कम हो ना वो ज़्यादा हो। द कोर्ट हैज़ टाइम एंड अगेन सेड दैट प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी शुड गाइड द सेंटेंसिंग प्रोसेस। इन अहमद हुसैन वली मोहम्मद सैयद वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात इट वॉज हेल्ड दैट सेंटेंस टू डेटर द क्रिमिनल फ्रॉम अचीविंग द अवॉर्ड ऑब्जेक्ट टू लॉ। ठीक है, तो क्या है कि भाई आपको कैसी सेंटेंस देना है कि जो क्रिमिनल है उसको ये लगे कि वो लॉ को नहीं हरा पाया। एंड द एंडेवर शुड बी टू इम्पोज एन अप्रोप्रिएट सेंटेंस, ना ज़्यादा ना कम। द कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट इम्पोजिंग मीगर सेंटेंसेस और मियरली ऑन अकाउंट ऑफ लैप्स ऑफ टाइम वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप सफिशेंट अप्रोप्रिएट सेंटेंस नहीं देंगे, तो जो लॉ है उस वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। लाइकवाइज इन जमील वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, वाइल एडवोकेटिंग द सेंटेंसिंग शुड बी फैक्ट डिपेंडेंट एक्सरसाइज, द कोर्ट ऑल्सो एम्फसाइज दैट द लॉ शुड अडॉप्ट द करेक्टिव मशीनरी एंड डेटरेंस बेस्ड ऑन फैक्चुअल मैट्रिक्स। जो फैक्ट्स हैं उस हिसाब से कोर्ट को देखना चाहिए कि क्या हमें करेक्टिव मशीनरी लेनी है या हमें डेटरेंस का काम करना है। बाय डेफ्ट मॉड्यूलेशन सेंटेंसिंग प्रोसेस शुड बी स्टर्न वेयर इट शुड बी एंड टेम्पर्ड विद मर्सी वेयर इट वॉरंट्स टू बी। तो जहाँ लगे कि मर्सी ठीक रहेगी वहीं पर मर्सी करें, और जहाँ स्टर्न लगता है स्टर्न होना चाहिए वहाँ पर स्टर्न प्रोसेस करें। The fact and given circumstances in each case, the nature of the crime, the manner in which it was planned and committed, the motive for commission of the crime, the conduct for the accused, the nature of weapons used, and all other attending circumstances are relevant facts which would enter into the area of consideration. ये सब कुछ consider किया जाएगा sentencing से पहले। Now comes Ramesh Kumar versus State of NCT Delhi, again Justice Ravindra Bhatt and Justice Datta. इसमें क्या कहा गया, इसमें भी क्रिमिनल लॉ रिलेटेड बात है, और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि एंटिसिपेटरी बेल के लिए जो कंडीशंस हैं वो कितनी और क्या हो सकती हैं। इसमें क्या हुआ था, कोर्ट ने कहा कि अ डिसक्वाइटिंग ट्रेंड इमर्जिंग ओवर द इयर्स व्हिच हैज गेन्ड पेस इन रीसेंट टाइम नेसेसिटेट्स दिस ओपिनियन। इट हैज़ बीन फाउंड बाय अस इन मल्टीपल केसेस इन पास्ट several months that upon a first information reports being lodged inter alia under section 420 of IPC, judicial proceedings initiated by persons accused of cheating to obtain orders under 438 are unwittingly being transformed into process for recovery of the quantum of money allegedly cheated, and the courts driven to impose conditions for deposit payment a prerequisite for grant of pre-arrestal bail. Ab kya hota hai, 420 mein cheating के लिए पनिशमेंट मिलती है। अब किसी को ये डर है कि 420 का केस उसके ऊपर कर दिया जाएगा, FIR हो चुकी है, डर ये है कि भैया हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक, अब अरेस्ट कर लिया जाएगा प्लस क्या, नॉन अवेलेबल ऑफेंस है ये, सिर्फ नॉन अवेलेबल ऑफेंस में ही आप जो है वो जाके और अपनी बेल के लिए एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं 438 ऑफ CRPC में। तो क्या करते हैं लोग, जाते हैं कोर्ट और कहते हैं कि भाई हमें ये डर है कि हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा, अप्रिहेंशन ऑफ बीइंग अरेस्टेड है, तो आप हमको 438 के अंदर एंटिसिपेटरी बेल दे दीजिए, जिससे वो हमें अरेस्ट करने आए तो हम उनको एंटिसिपेटरी बेल का ऑर्डर दिखा के बेल ले लें। दैट इज हाउ एंटिसिपेटरी बेल वर्क्स। अभी क्या होता है कि कोर्ट्स क्या करने लगे, सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग कि बहुत देखा जा रहा है कि कोर्ट्स क्या करते हैं, हाँ ठीक है हम आपको एंटिसिपेटरी बेल दे देंगे, मगर ये जो आपने पैसे के लिए जितने पैसे वो मांग रहा है कि आपने उसको चीट किया है ऑफ दिस मच मनी, पहले आप वो लौटाइए। तो क्या हो रहा है कि वो चीज़ जो कि प्रूव ही नहीं हुई है, वो ऑफेंस जो कि जिसका ट्रायल भी स्टार्ट नहीं हुआ है, वो पहले ही कोर्ट मान रहे हैं कि इस इंसान ने गलत किया, इस इंसान ने चीट किया, अभी तुम पैसे वापस लौटाओ तो हम एंटिसिपेटरी बेल दे देंगे। तो ये क्या है, रिकवरी कराई जा रही है। 420 का जो केस होने जा रहा था इंसान पे शायद, जिसके लिए वो शायद अरेस्ट हो जाता, वो पहले ही लौटवा दी जा रही है विदाउट एनी ट्रायल। ठीक है, वो एज अ कंडीशन है प्री अरेस्ट बेल का, तो ये ऑब्वियसली बहुत गलत है। व्हाइल इम्पोजिंग कंडीशंस ऑन एन अक्यूज्ड हु अप्रोचेस अ कोर्ट अंडर 438A,
The court should be extremely chary in imposing conditions and should not transgress its jurisdiction or power by imposing the conditions which are not called for at all. There is no manner of doubt that the condition to be imposed under 438 cannot be harsh, onerous, or excessive, so as to frustrate the very objective of anticipatory bail under 438. अभी ऑब्जेक्ट ही क्या रहा, आप पहले ही इंसान को गिल्टी की तरह देख रहे हो. द लॉ प्रिज्यूम्स एन अक्यूज्ड टू बी इनोसेंट टिल हिज गिल्ट इज प्रूव. एज अ प्रिज्यूमेबली इनोसेंट पर्सन ही इज एंटाइटल्ड टू ऑल फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. वी ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट व्हाइल ग्रांटिंग एंटिसिपेटरी बेल द कोर्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू कंसिडर एंड कीप इन माइंड द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द एक्यूजेशन antecedents of the applicant, namely about his previous involvement in such offense, क्या पहले भी cheating कर चुका है, the possibility of the applicant to flee from justice, ये सब देखना होता है, ये नहीं कि पैसे वापस कर देगी नहीं. It is also the duty of the court to ascertain whether accusations have been made with the object of injuring or humiliating him. ये देखना होगा कि सामने वाले ने झूठ केस तो नहीं किया है कि इसको injure करें, इसको humiliate करें और इसको arrest करा दें. It is needless to mention that the courts are duty bound to impose appropriate conditions under 438(2). The words any condition, वो कहता है कि any condition deems fit, तो any condition used in the provision should not be regarded as conferring absolute power on the court of law. Any condition का ये मतलब नहीं है कि आप कोई भी condition impose कर दो, वो condition proper होनी चाहिए. It should be a reasonable condition, accepted in the facts, permissible in the circumstances and effective in pragmatic sense and should not defeat the order of the grant of bail. Next case आता है Pradeep versus State of Haryana. Justice Abhay Oka and Justice Bindal were the judges on the bench. इसमें court क्या बात करता है? Court बात करता है testimony of a child witness. एक बच्चे की जो testimony है, हम लोग यहाँ in Indian Penal Code under the Indian Evidence Act, हर जगह ये allowed है कि जो एक बच्चा है आप उसको as witness बुला सकते हो. ये कहीं मना नहीं है कि बच्चे को आप as witness नहीं बुला सकते. मगर क्या है कि उसे क्वेश्चन समझ में आना चाहिए और उसे सही आंसर देना आना चाहिए. क्वेश्चन समझ में आए और आंसर दे पाए, ये दो कंडीशंस होती हैं. तो क्या है, और ये कहीं भी नहीं है कि उसका जो टेस्टिमनी है वो कोरोबरेट की जाए, यानी कि कहीं और से भी प्रूफ की जाए. ठीक है, इट इज़ वेल सेटल्ड प्रिंसिपल दैट कोरोबरेशन ऑफ द टेस्टिमनी ऑफ अ चाइल्ड विटनेस इज नॉट अ रूल. ऐसा कोई रूल नहीं है, बट एज अ मेजर ऑफ कॉशन एंड प्रूडेंस. लेकिन जाहिर सी बात है, एक छोटा सा अगर 11-12 साल का बच्चा कोई विटनेस बन के आ रहा है तो बेहतर है कि कुछ और भी फैक्ट्स हों जो उसकी बात को कोरोबरेट करें, जो उसी की जैसी बात को प्रूफ कर रहे हो आगे. अ चाइल्ड विटनेस ऑफ अ टेंडर एज इज इजीली ससेप्टेबल टू ट्यूटरिंग. क्यों? क्योंकि उसको पढ़ाया लिखाया जा सकता है कि जाके वहाँ ये बोलना, ऐसे उसको ट्यूटर किया जा सकता है. हाउएवर दैट बाय इटसेल्फ इज नो ग्राउंड टू रिजेक्ट द एविडेंस ऑफ चाइल्ड विटनेस. लेकिन इस प्रिजम्पशन पे ये नहीं कह सकते कि चाइल्ड विटनेस हो ही नहीं सकता. The court must make careful scrutiny of the evidence of child witness. बहुत ध्यान से scrutinize करना चाहिए court को, child witnesses को. The court must apply its mind to the question whether there is a possibility of the child witness being tutored. क्या ये possibility है? Sadly, domestic violence में आ रहे cases में तो the children are one of the main witnesses. तो क्या वो अपने father के साथ, for example, if the father has killed the mother or has done any kind of domestic violence which the child has witnessed. तो अभी क्या ये पॉसिबल है कि जो फादर है वो उसको पढ़ा लिखा दे कि बेटा जाके ये बोलना वहाँ पे, इज देयर अ पॉसिबिलिटी या नहीं है ऐसा कुछ? मान लेते वो नाना नानी के साथ रह रहा है अपने, तो फिर वो पॉसिबिलिटी कम हो जाती है. देयरफॉर स्क्रूटनी ऑफ द एविडेंस ऑफ अ चाइल्ड विटनेस इज रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय द कोर्ट विद केयर एंड कॉशन. इसलिए बहुत केयरफुली करना होगा. बिफोर रिकॉर्डिंग एविडेंस ऑफ अ माइनर इट इज अ ड्यूटी ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर टू आस्क प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस. कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे उससे ये समझने के लिए कि क्या वो बच्चा क्वेश्चन समझ पाता है, क्या वो समझ पा रहे हैं कि क्या सवाल पूछा गया है उससे, एंड इन अ पोजिशन टू गिव रैशनल आंसर्स. और क्या वो रैशनल आंसर दे पाएगा? तो दो चीजें, पहली बात वो क्वेश्चन समझे, दूसरी बात वो सही रैशनल आंसर दे पाए. द जज मे बी सैटिस्फाइड दैट द माइनर इज एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस एंड रिस्पॉन्ड टू देम एंड अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीकिंग द ट्रुथ. और ये समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे सही सही जो बात है वो बतानी है, कोई कहानी नहीं बतानी. Therefore, the role of the judge who records the evidence is very crucial. He has to make proper preliminary examination of the minor by putting appropriate questions as to ascertain. पहले आप ascertain करो कि क्या वो understand कर पा रहा है questions और rational answers दे पा रहा है. It is advisable to record the preliminary question answers. और ये जो preliminary question answers हैं, main
क्वेश्चंस पूछने से पहले जो समझा जा रहा है बच्चे का एप्टीट्यूड, तो वो भी रिकॉर्ड किए जाए, ये अच्छा होगा। क्यों? जिससे कि अपीलेट कोर्ट को पता चले कि हाँ ट्रायल कोर्ट की ओपिनियन सही है कि नहीं। अब आता है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सोनू कुशवाहा, जस्टिस ओका एंड जस्टिस बिंदर। इसमें क्या हुआ था कि कोर्ट ने बोला कि जो पॉक्सो एक्ट है उसमें क्या है कि स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट दी गई है ऑब्वियसली, बिकॉज दीज आर सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, तो ये स्ट्रिंजेंट होना ही इसका मकसद है। और स्ट्रिंजेंट होने के लिए क्या किया गया है कि इसमें मिनिमम पनिशमेंट दी गई है। बहुत कम होता है ऐसा क्रिमिनल लॉ में कि मिनिमम पनिशमेंट दी जाए, वरना क्या होता है मैक्सिमम दी जाती है कि ज्यादा से ज्यादा इतनी पनिशमेंट मिलेगी, पर इसमें क्या है कि मिनिमम इतनी मिलेगी। मतलब कोर्ट के पास एक पॉइंट बाद जाके जो डिस्क्रिशन है वो हटा दिया गया कि नहीं आप इससे कम सजा तो दे ही नहीं सकते। तो पॉक्सो एक्ट वॉज इनएक्टेड टू प्रोवाइड मोर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर द ऑफेंसेस ऑफ चाइल्ड अब्यूज ऑफ वेरियस काइंड्स, एंड दिस इज व्हाई मिनिमम पनिशमेंट्स हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर 4, 6, 8, and 10 ऑफ पॉक्सो एक्ट, जो कि मेन ऑफेंसेस हैं उसके, फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट ऑन चिल्ड्रन। हेंस सेक्शन 6 ऑन इट्स प्लेन लैंग्वेज लीव्स नो डिस्क्रिशन टू द कोर्ट दैट देयर इज नो ऑप्शन बट टू इम्पोज मिनिमम सेंटेंस एज डन बाय ट्रायल कोर्ट। कोर्ट ये कह रहा है जैसे कि इस केस में ट्रायल कोर्ट ने किया था कि भाई मिनिमम पनिशमेंट दी है तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप उससे कम की पनिशमेंट दो। व्हेन द पीनल प्रोविजन यूजेस फ्रेजोलॉजी शैल नॉट बी लेस दैन, जब ये यूज किया गया है कि शैल नॉट बी लेस दैन, तो पनिशमेंट शैल नॉट बी लेस दैन, तो कोर्ट्स कैन नॉट डू ऑफेंस टू द सेक्शन एंड इम्पोज अ लेसर सेंटेंस। तो कोर्ट ये कर ही नहीं सकता है कि उससे कम पनिशमेंट दे। The courts are powerless to do that. कोई पार ही नहीं है कोर्ट के पास ये करने की, unless a specific statutory provision enabling the court to impose a lesser sentence. अगर कोई और स्टैचूट है, जैसे कि अगर पॉक्सो एक्ट है लेकिन let's say एक जुवेनाइल ने किया है, then maybe एक lesser punishment हो सकती हो। However, we find no such provision in पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट में जैसा कुछ भी नहीं दिया है। Therefore, notwithstanding the fact that respondent may have moved ahead in life after undergoing the sentence as modified by High Court, there is no question of showing any leniency. चाहे कुछ हो, चाहे जो victim है वो move कर गया हो, चाहे जो accused है वो move कर गया हो, चाहे कुछ भी हो, आप leniency नहीं दिखा सकते। Apart from the fact that the law provides minimum sentence, a crime committed by respondent is very gruesome, which calls for stringent punishment. POXO के under obviously हर act बहुत gruesome है। The impact of the obnoxious act on the mind of the victim child will be lifelong. The impact is bound to adversely affect the healthy growth of the victim. There is no dispute that the age of the victim was less than 12 years at the time of incident. इस particular case में जो incident हुआ था उसमें 12 years के नीचे थी जो victim की age थी, therefore कोई leniency तो show हो ही नहीं सकती है। जो minimum punishment है उससे कम court punish कर ही नहीं सकता। Now comes Madras Aluminium Company Limited versus Tamil Nadu Electricity Board. थ्री जजेस बेंच थी, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस संजय करोल एंड जस्टिस अरविंद कुमार। नाउ इसमें क्या हुआ था कि द मद्रास अल्युमिनियम को लिमिटेड जो कंपनी है, इसने एप्लीकेशन फाइल की किस लिए कि टू रिड्यूस अ कॉन्ट्रैक्टेड मैक्सिमम डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू 10,000 केवीए विद इफेक्ट फ्रॉम 27 जनवरी। द इशू रेज्ड इन दिस अपील वाज वेदर सच एन एक्शन ऑफ द एप्लीकेशन रिमेनिंग पेंडिंग फॉर अनरीजनेबल पीरियड could itself be classified as arbitrary and unreasonable. The application पढ़ी हुई थी और पढ़ी ही हुई थी unreasonable period तक। Question ये कि क्या ये arbitrary act है by the government? Keeping in view the above stated established principles, जो court ने बहुत सारे cases discuss किए, the main thing is which the court said, the state action irrespective of being contractual realm must abide by Article 14. Even अगर court, even अगर state किसी contractual contract के तहत कोई काम कर रही है, तो भी आर्टिकल 14 को अबाइड करना पड़ेगा। यू कैन नॉट बी आर्बिट्ररी, द स्टेट कैन नॉट बी आर्बिट्ररी, एंड दैट आफ्टर द पैसेज ऑफ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम इन जुलाई 2004 द रिडक्शन टू 10,000 केवीए वाज अग्रीड एंड अ न्यू अग्रीमेंट वाज इन टू इफेक्ट। तो ये मान लिया गया था कि हाँ भाई 2004 में एक अग्रीमेंट आएगा। इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ रिडक्शन ऑफ केवीए सॉर्ट अदर एप्लीकेशंस वर कंसीडर्ड विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, नो रीजन हैज बीन पुट फोर्थ फॉर कीपिंग सच एप्लीकेशन पेंडिंग। That the appellant duly and repeatedly followed up the authorities to effectuate such reduction. The appellant has been unjustifiably asked to furnish cost for unutilized electricity, which in case should have not extended beyond the period of 6 months, considered being a reasonable period, for a period much larger thereto, rendering such action unquestionably
अनरीजनेबल एंड आर्बिट्ररी। बेसिकली चाहे कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी हो कोर्ट स्टेट की या कोई और तरह की ड्यूटी हो, कोर्ट आई थिंक कोर्ट द स्टेट कैन नॉट बी आर्बिट्ररी। ठीक है, आर्टिकल 14 फिर भी अप्लाई करता है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो फार एंड सी यू नेक्स्ट मंथ। बाय।